सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है, शिव भक्त बाबा की उपासना में लीन है, तो ऐसे मौके पर हम आपको बाबा के दर्शन कराने के लिए ले चलते हैं। मुरैना, देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, बाबा की पूजा करते हैं, लेकिन इस मंदिर का एक रहस्य है जिसे कोई नहीं जान पाया। यहाँ ईश्वरा महादेव मंदिर के शिवलिंग के सावन महीने के हर सोमवार की आधी रात को पूजा की जाती है, लेकिन ये पूजा पंडित या कोई आम इंसान नहीं करता, लेकिन पूजा हो जाती है। टीके, फूल और बेलपत्र के साथ आधी रात को शिवलिंग की पूजा की जाती है। पूजा कौन करता है, ये एक रहस्य ही है। सुबह होते ही शिवलिंग पर 11 बेलपत्र चढ़े हुए मिलते हैं, और लोगों की माने तो कोई अदृश्य शक्ति है जो भगवान की पूजा करके जाती है। लोगों ने कई बार कोशिश भी की, लोग रात रात भर जागते रहे और पलक झपकते ही पूजा हो गई, और ये रहस्य रहस्य ही बनकर रह गया। ईश्वरा महादेव पे अपने आप ही चावर, चंदन, बेलपत्र शंकर भगवान पे चढ़ जाती है, और ये भी पता नहीं चलता है कौन कर रहा है कौन नहीं। वो 4 बजे के टेम्पो हो जाती है, बहुत दूर की यात्री भी आती हैं, और वे यात्री आशा लगा के आती हैं, उनकी मनोकामना ईश्वरा महादेव अपने आप कर देती है। और जी है जहाँ पे पूजा करके चली जाती हैं, भीषम की भी बताती हैं कोई लोग सिद्ध बाबा की ऐसी शक्ति आती हैं भी, लेकिन भी पता नहीं चलने देती हैं। चावल, चंदन, बेलपत्र जी चढ़ाती हैं, 5 पत्ती का, 7 पत्ती का, 9 पत्ती का जी बेलपत्र अपने आप चढ़ जाती हैं। जहाँ का तो कोई पता ही नहीं है, 8-9-10 किलोमीटर पे पानी दूर तक अतनान है, जो खोवे कितना गहरा है इसी में बूंद पानी की अतनान, इतनी इसी सरजू में से तुम बाल्टीन से पानी ले जाओ कभी ये निकटता भी ना। इतना पता नहीं ये कहां से आ रही है भोले बाबा। स्थानीय लोगों की माने तो ये एक रहस्य है जिसका पता बड़े बड़े नहीं लगा पाए। लोगों का मानना है कि यहाँ रावण के भाई विभीषण ने शिवलिंग की स्थापना की थी, और तब से ही यहाँ सावन के महीने में कोई अदृश्य शक्ति पूजा करती है। ईश्वरा महादेव एक खो करंदा खाई में स्थित है, वे घने जंगलों में, और यहाँ पर ये बात बताई जाती है बुजुर्गों द्वारा, पूर्व की कहानी है, यहाँ पर रावण के भाई विभीषण ने तपस्या की और वो आए दिन यहाँ पर पूजा अर्चना भी करते रहते हैं। इसी को लेकर के रावण के भाई विभीषण ने यहाँ पे इस करंदा में एक शिवलिंग की भी स्थापना की थी, जिस शिवलिंग पर अविरल जलधारा अभिषेक करती रहती है, चलती रहती है। देख रहे होगे आप उस जंगल में 10-10 किलोमीटर दूरी तक कोई पानी की बूंद नहीं मिलेगी, और उस करंदा में उस शिवजी की शिवलिंग के पर अविरल जलाब से वो धारा करती रहती है। और श्रावण मास के महीने में, इस महीने में तो यहाँ पर इस शिवलिंग के बारे में जो कहा जाता है वो होता है, रोजाना भी होता है कि उस पर कोई अदृश्य शक्ति पूजा अर्चना करती है और चावल, रूढ़ी, पुष्प वगैरह चढ़े मिलते हैं, और जिसके लिए यहाँ के राजा और वर्तमान में कई एक मतलब जिज्ञासु लोगों ने इसकी चाह जाननी चाहिए कि आखिरकार कौन है, पर लेकिन सब असफल रहे हैं। उनके जागने से पूर्व या उनके जगते रहते से पूर्व। मुरैना जिला मुख्यालय से करीब 75 किलोमीटर दूर घने जंगलों में पहाड़ों के बीच पुरातन कालीन ये शिवलिंग पहाड़ों की छत के नीचे स्थापित है, और शिवलिंग पर हमेशा अविरल जलधारा गिरती रहती है। इस शिवलिंग की अंचल में सबसे ज्यादा मान्यता है, यहाँ आए हर श्रद्धालु की मनोकामनाएं पूरी होती है। सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है, तो आप भी यहाँ बाबा के दर्शन के लिए जरूर आइए और भगवान की पूजा कीजिए। मुरैना से गिरिराज राजौरिया की रिपोर्ट।